देखो, अगर मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना है किसी फोर्स के कारण, मतलब मैक्सिमम टॉर्क लगाना हो, तब उसके लिए फोर्स को हमें कहाँ लगाना चाहिए? तो एट ए मैक्सिमम डिस्टेंस या फिर मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। तो फोर्स को कहाँ पर लगाना चाहिए? तो फोर्स इस जगह पर लगाना चाहिए, ऐसा जगह पर लगाना चाहिए जो कि बॉडी से मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे हो, ठीक है। और इस केस में क्या होगा कि जो बॉडी पे टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा, मतलब बॉडी पे जो टॉर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। तो अगर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो जो फोर्स होना चाहिए और बॉडी पे कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़। और अगर कोई फोर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा दिया जाए, अगर कोई फोर्स बॉडी पे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा दिया जाए, तब उसके कारण जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और उस पर टॉर्क तो मैक्सिमम होगा लेकिन फोर्स मिनिमम होगा, मतलब हम लोग कम फोर्स पे भी ज़्यादा टॉर्क लगा सकते हैं। देखो, अगर हम कम डिस्टेंस पे फोर्स लगाएं तो कम घूमेगा, और ज़्यादा डिस्टेंस पे फोर्स लगा दें तो ज़्यादा घूमेगा। और अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास करा दें तो बॉडी तो घूमेगा ही नहीं। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि अगर किसी बॉडी को घुमाना है तब उसके लिए फोर्स को कहाँ पर लगाना चाहिए? तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगाना चाहिए। तो अगर किसी बॉडी को घुमाना है तो हमें फोर्स कहाँ पर लगाना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर फोर्स लगाते हैं तो टॉर्क मैक्सिमम होगा और उसके लिए फोर्स भी मिनिमम होगा। जो हमें फोर्स लगाना चाहिए वो कम फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स लगाना चाहिए वो कहाँ पर लगाना चाहिए? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर फोर्स लगा दें तो टॉर्क तो मैक्सिमम होगा लेकिन जो फोर्स होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो कम फोर्स से ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। तो देयर आर सम एग्जाम्पल्स, नाउ लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ डोर। अगर किसी डोर को ओपन करना है तो डोर ओपन करने के लिए हम जो फोर्स लगाते हैं वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगाते हैं, कि डोर पे जो हैंडल दिया रहता है वो डोर से मैक्सिमम डिस्टेंस पर दिया रहता है। अगर सपोज एक हैंडल हिंज पे ही लगा दे कोई मिस्त्री, मान लो कोई मिस्त्री है और वो हैंडल हिंज पे ही लगा दिया और तुम वहाँ पे फोर्स लगा दो, घूमेगा ही नहीं। ज़्यादा कब घूमेगा? जब हैंडल कहाँ पर रखेंगे? मैक्सिमम डिस्टेंस पर। तो अगर हैंडल मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख दिया जाए तब उसके कारण जो टॉर्क होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा, लेकिन फोर्स जो होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। तो अगर हैंडल मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगाया जाए तो हम लोग कम फोर्स से ही ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हैंडल इज प्रोवाइडेड नियर द फ्री एंड ऑफ द डोर एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेज। कि हैंडल ऑफ द डोर इज प्रोवाइडेड नियर द फ्री एंड ऑफ द डोर एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेज। क्यों ऐसा किया जाता है? बिकॉज ए स्मॉलर फोर्स एट ए लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेज प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क रिक्वायर्ड टू ओपन और शट द डोर। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि वाई द हैंडल ऑफ ए डोर प्रोवाइडेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेज, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? कि हैंडल आर प्रोवाइडेड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेज बिकॉज ए स्मॉलर फोर्स एट ए लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हिंजेज प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ओपन और शट द डोर। सेकेंड एग्जाम्पल है हैंड फ्लोर ग्राइंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हैंड फ्लोर ग्राइंडर। तो हैंड फ्लोर ग्राइंडर एक ग्राइंडर होता है जिसमें वी ग्राइंड वीट टू प्रोड्यूस फ्लोर। तो हैंड फ्लोर ग्राइंडर में हम लोग क्या करते हैं? गेहूँ पीसते हैं, ठीक है, जो कि गांव में यूज किया जाता है। तो हैंड फ्लोर ग्राइंडर में दो सर्कुलर स्टोन्स होते हैं, एक नीचे होता है और एक ऊपर होता है। ऊपर वाला घूमने के लिए होता है, नीचे वाला फिक्स होता है। और ऊपर वाले पे एक हैंडल होता है। तो ऊपर वाले पे एक हैंडल होता है जो कि ग्राइंडर के एक्सिस से कहाँ पे होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। तो ऊपर वाले स्टोन पे, ऊपर वाले सर्कुलर स्टोन पे एक हैंडल होता है जो कि एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है। और वंस अगेन ये ऐसा क्यों किया जाता है? बिकॉज ए स्मॉलर फोर्स एट ए लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम
टॉर्क टू रोटेट द ग्राइंडर. ठीक है, बेसिकली वही होगा कि डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो वी नीड टू अप्लाई ए स्मॉलर फोर्स टू रोटेट द बॉडी. इसके बाद थर्ड एग्जांपल स्टीयरिंग व्हील. जब टर्निंग लेना होता है तो गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को हम लोग क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, आदर इन क्लॉक वाइज सेंस और इन एंटी क्लॉक वाइज सेंस. तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, तो इसमें हम लोग अपने हाथ के हेल्प से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. हाथ के हेल्प से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं. कहाँ पे? रिम पे. रिम बोलने का मतलब क्या हुआ, एज, किनारा. रिम बोलने का मतलब क्या हुआ, किनारा. तो रिम पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो एक्सिस से वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, एक्सिस उसका सेंटर से पास कर रहा है, और रिम पे जो फोर्स लग रहा है वो एक्सिस से क्या है, मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है. ठीक है, अगर मैक्सिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा तो वी नीड टू अप्लाई ए स्मॉलर फोर्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क. ठीक है, तो वी नीड टू अप्लाई ए स्मॉलर फोर्स टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क. तो इस क्वेश्चन आ सकता है कि स्टीयरिंग व्हील में हम लोग जो फोर्स होता है वो कहाँ पर लगाते हैं, तो एज पे लगाते हैं. क्यों एज पे लगाते हैं, तो एज पे इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग स्मॉलर फोर्स लगा दें टू प्रोड्यूस लार्जर टॉर्क. ठीक है, तो हम लिख दे रहे हैं, इसको लिख लेना एग्जाम में कि फॉर टर्निंग ए स्टीयरिंग व्हील ए फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली ऑन द रिम ऑफ द व्हील. ठीक है, एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन so that a smaller force can produce a maximum torque. इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्पैनर या फिर रेंच. अगर मान लीजिए कोई नट है और नट को लूज करना है या फिर टाइट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्पैनर का यूज करते हैं या फिर रेंच का यूज करते हैं. स्पैनर का जो हैंडल होता है वो जनरली लार्ज होता है, तो हैंडल पे फोर्स लगाना चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम नट. उसके कारण क्या होगा, रिलेटिवली स्मॉलर फोर्स से लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है एक जैक स्क्रू. कभी कभी ऐसा होता होगा कि तुम गाड़ी से कहीं जा रहे होगे तो तुम्हारे गाड़ी का जो व्हील है वो पंक्चर हो जाता है. तो गाड़ी का अगर चक्का पंक्चर हो जाए तो उसको खोल कर करके दूसरा व्हील लगाने की ज़रूरत पड़ता है, तो उसके लिए गाड़ी को लिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ता है. अब गाड़ी को लिफ्ट करना आसान बात तो नहीं है, उसको लिफ्ट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ता है, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं जैक स्क्रू. जैक स्क्रू में हम लोगों को घुमाना होता है, तो घुमाना होता है तो घुमाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, टॉर्क लगाना पड़ेगा. टॉर्क किसके हेल्प से, फोर्स के हेल्प से. अब फोर्स अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगेगा तब टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा. तो अगर लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके कारण क्या होगा, मैक्सिमम टॉर्क होगा. तो अगर एग्जाम में आ जाए कि जैक स्क्रू कि हाउ ए जैक स्क्रू इज यूज टू लिफ्ट अ हेवी लोड, तो हम बोलेंगे कि इन जैक स्क्रू ए स्मॉलर फोर्स इज अप्लाइड एट ए लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम टॉर्क टू लिफ्ट ए हेवी लोड और टू लिफ्ट द कार. ठीक है, इतना काफ़ी है. तो तुम नोट डाउन कर लो, सबसे पहले नोट डाउन कर लो कि अगर फोर्स मैक्सिमम डिस्टेंस पर लगाया जाए तो टॉर्क क्या होगा, लार्ज होगा, और कम फोर्स से लार्जर टॉर्क प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो हम इसको ऐसे नोट डाउन कर रहे हैं कि ए स्मॉलर फोर्स एट ए लार्जर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूसेस द मैक्सिमम मोमेंट ऑफ फोर्स और मैक्सिमम टॉर्क फॉर रिक्वायर्ड पर्पस. और रिक्वायर्ड पर्पस कुछ भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, और रिक्वायर्ड पर्पस हो सकता है टू ओपन और शट अ डोर. और रिक्वायर्ड पर्पस हो सकता है टू रोटेट अ हैंड फ्लोर ग्राइंडर. और रिक्वायर्ड पर्पस हो सकता है टू टर्न अ स्टीयरिंग व्हील. और रिक्वायर्ड पर्पस हो सकता है टू रोटेट अ व्हील यूजिंग अ फुट पेडल. और रिक्वायर्ड पर्पस हो सकता है
टू लूजन और टाइटन अ नट यूजिंग ए स्पैनर ऑफ लॉन्ग हैंडल और रिक्वायर्ड पर्पस हो सकता है टू लिफ्ट ए हेवी लोड यूजिंग अ जैक स्क्रू। ठीक है,